बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। निज़ामी हर्बल्स की तरफ से हकीम नईम अज़हर निज़ामी एक नई वीडियो और एक आसान नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर आए और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही आसान नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो मर्दाना कमज़ोरी और उज़्ज़त तनासल का ढीलापन को दूर करने के लिए बेहतरीन रिजल्ट रखता है। यह खसूसन उन अफराद के लिए है जो मेरे दोस्त कीमती अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि ज़्यादा कीमती जड़ी बूटियों खरीदने की और कीमती दवाई मंगवाने की या इस्तेमाल करने की, और जो मेरे दोस्त मेरे भाई रोज़गार के सिलसिले में गैर ममालिक रहते हैं, वहाँ जड़ी बूटियाँ अवेलेबल नहीं मिल सकती उनको, और वो इस वजह से परेशान है। और जब वो घर आते हैं तो बहुत मसला उनके लिए बनता है। उन अफराद के लिए भी बेहतरीन ये नुस्खा है, वो आसानी से वहाँ बैठे अपना इलाज खुद कर सकते हैं। अपने मर्दाना कमज़ोरी का, उज़्ज़त के ढीलेपन का बेहतरीन रिजल्ट रखती है ये। और जो अफराद बचपन की गलत कार्यों का शिकार हैं और जो बचपन में मौजदनी करते रहे हैं, अगलामबाजी करते रहे हैं, उनके लिए भी नुस्खा बेहतरीन रिजल्ट रखता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आसानी से आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही दिन में उज़्ज़त में फुल सख्ती, पट्ठों में मुकम्मल ताकत और मर्दाना कमज़ोरी का खात्मा हो जाएगा। बेहतरीन रिज़ल्ट रखता है ये नुस्खा, आप इस्तेमाल करें आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें टोटल जो सिर्फ 3 है जो आसानी से तैयार भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह उज़्ज़त तनासल में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी और फुल सख्ती, उज़्ज़त तनासल में फुल सख्ती होगी और पट्ठों की कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। अब आप आते हैं नुस्खे की तरफ। जो मेरे दोस्त नए आने वाले हैं वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल को आइकॉन लाजमी दबाएं कि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके और आप आसानी से अपने घर बैठे अपना खुद मर्दाना मसाइल का इलाज कर सकें। जी, नुस्खा ये है कि आपने एक लेना है अंडा, इसको अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद आपने दरमियान से तोड़ना है इसको। इस तरह तोड़ कर इसमें आपने तकरीबन 1 चम्मच शहद शामिल करना है, ये दरमियान में ही डाल देना है। और उसके बाद आपने इसमें दालचीनी तकरीबन 1 से 2 चुटकी डालकर निहार मुँह आपने इस्तेमाल करना है, खाना है इसको। निहार मुँह आप इसको इस्तेमाल करें, सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप पहला काम यही करें, ये नुस्खा ही इस्तेमाल करें। उसके बाद आप वॉक करें, चाहे वर्जिश करें, चाहे आप तकरीबन इस नुस्खे के इस्तेमाल करने के आधा घंटा बाद या घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। आप एक हफ्ते में ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। जो बहुत ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं वो कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करें। ये आम नुस्खा नहीं, आप ये इसको सादा या आम नुस्खा ना समझें, आप लाजमी इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।